एसी सर्किट के ऊपर, जो कि कॉम्प्लेक्स एसी सर्किट को हम बहुत आसानी से कैसे सॉल्व करें, इसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारा ऐप आ चुका है, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। बहुत सिंपल सॉल्व करेंगे हम लोग एसी आरएलसी सर्किट विद एसी कैसे डील करते हैं। बहुत सिंपल तरीका होता है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। जो मेथड मैं बताऊंगा शायद ही आपको मिलेगा, क्योंकि ये मेथड हायर क्लासेस से बताया जाता है, मतलब इंजीनियरिंग की बात मैं कर रहा हूं। उस समय या आप हायर स्टडीज करोगे, आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल होगा, तो उस समय ये बताया जाएगा। फिलहाल मैं मेथड बता रहा हूं, बहुत सिंपल मेथड है, गौर से सुनना, कैसे डील करेंगे आरएलसी सर्किट के ऊपर। कुछ बातों का अपने को ध्यान रखना है आरएलसी सर्किट सॉल्व करने से पहले, कुछ बातों का क्या ध्यान रखना है, समझना चीजों को। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि यार हमारा वोल्टेज क्या होता है, नॉर्मली वोल्टेज क्या होता है, वी बराबर वीएम साइन ओमेगा टी प्लस 5, एसी वोल्टेज होता है वी बराबर वीएम साइन ओमेगा टी प्लस 5। इस चीज को शॉर्टकट में मैं लिखूंगा ऐसे, वीएम एंगल फाइव। ये तरीका है इसको लिखने का। जब भी ऐसे लिखा रहे तुम समझ जाओ कि क्या लिखा हुआ है, वीएम साइन ओमेगा टी प्लस 5, क्योंकि यहां फेज डिफरेंस कितना है 5। तो इसको शॉर्ट में लिखने का ये मेथड है, इसको शॉर्ट में लिखने का मेथड। जस्ट अभी टाइम बीइंग के लिए इसको याद कर लो कि शॉर्ट में इसको ऐसे करके लिखते हैं। अगला, जैसे मैं बोलूं कि करंट मेरा आई दिया हुआ है, सपोज करो 2 एंगल पाई बाई 3, मैंने बोला ये करंट दिया हुआ है, तो इसको एक्सपैंड करके कैसे लिखोगे, एक्सपैंड करके लिखोगे 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। ये फेज बता रहा है, अगर यहां जीरो होता तो यहां भी जीरो होता। तो ये शॉर्ट में लिखने का इनका मेथड होता है। इनको थोड़ी देर के लिए दिमाग में बैठा लो कि इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये बस पूछो कैसे लिखेंगे, ये तुम आगे पढ़ोगे, टेंशन मत लो। फिलहाल तुम सोचो कि इसको ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, रेजिस्टेंस आर होता है, इसको भी एक लिखने का मेथड होता है। रेजिस्टेंस को शॉर्ट में लिखते हैं आर एंगल जीरो, आर एंगल जीरो। रेजिस्टेंस का फेज जीरो होता है, याद कर लो, इसको भी याद कर लो। कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ωC, ये मैग्नीट्यूड हो गया, इसको भी लिखने का तरीका होता है एंगल माइनस 90 डिग्री। हर एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम ऐसे ही लिखते हैं, ये बता रहा होता है कि वो कितने फेज का है। इंडक्टिव रिएक्टेंस को लिखते हैं एंगल प्लस 90 डिग्री, ये तरीका होता है। फिलहाल इनको याद कर लो कि रेजिस्टेंस आर एंगल जीरो, ये होता है 1/ωC एंगल माइनस 90, ये होता है ओमेगा एल एंगल 90। वोल्टेज अगर इस फॉर्म में लिखा है तो इसको तुम लिखोगे वीएम एंगल 5। करंट अगर ऐसे लिखा है तो एक्सपेंड करके ऐसे लिखेंगे। इन बातों को बस दिमाग में बैठा लो, एक बार तुम्हें इन बातों का याद हो गया फिर मैं बताता हूं क्या करना है। जनरली अगर आरएलसी सर्किट दिया गया है, जनरली मान लो मेरे पास एक आरएलसी सर्किट दिया गया है, यह है आर, यह है एल और यह है सी और यह वोल्टेज है कुछ वीएम साइन ओमेगा टी प्लस 5। जनरली अपन क्या करते हैं कि भाई हम लोग क्या करते हैं कि भाई इनको ऐड करते हैं नेट इंपेडेंस निकालने के लिए। अगर ये एसी नहीं होता, डीसी होता, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री करते आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, और करंट क्या होता तो वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। यहां भी सेम काम करते हैं, लेकिन यहां पे सेम काम थोड़ा डिफरेंटली करते हैं। मतलब रेजिस्टेंस एक ट्रायंगल बनाते हैं, जिस ट्रायंगल को बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल, इसका नाम है इंपीडेंस ट्रायंगल। क्या होता है समझना, रेजिस्टेंस के साथ एंगल कितना है, जीरो है, जीरो। एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल जीरो, इसके साथ एंगल कितना है माइनस 90, बोले तो यह है मेरा एक्ससी इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्ससी माइनस 90 मींस नीचे, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऊपर एक्सएल। ये ट्रायंगल बना लिया, इस ट्रायंगल को बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। अभी तो तुम्हें सब कुछ सब सिमिलर लग रहा होगा, कोई नया ट्रिक नहीं पता चला होगा, ट्रिक आगे ही पता चलेगा, रुक जाओ। सपोज मैंने बोला कि भाई इसका आर इक्विवेलेंट क्या है, जो डीसी में आर इक्विवेलेंट होता था वो एसी में जेड होता है। नॉर्मली तुम्हें इन तीनों को ऐड नहीं करना है, तुम्हें ऐड करना है वेक्टर एडिशन। तुम्हें क्या करना है, इनका वेक्टर एडिशन करना है। यहां सब कुछ नॉर्मल एडिशन नहीं होता, यहां सब कुछ वेक्टर एडिशन होता है। अगर मैंने बोला कि एक्सएल बड़ा है एक्सिस से, सपोज एक्सएल बड़ा है एक्सिस से, नेट क्या आ जाएगा, नेट ऊपर की तरफ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी। यह आर है, यह आर है। अब ये दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90, तो इनका रिजल्टेंट ही होगा मेरा जेड, इनका रिजल्टेंट ही मेरा जेड होगा, और जेड होगा कितना, तो अंडर रूट ऑफ
एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या? यह गया मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। अब जेड को भी तुम एक तरीके से लिखोगे, इस एंगल को थोड़ी देर के लिए बोल दो डेल्टा, तो जेड को कैसे लिखोगे? जेड विल बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंगल, जैसे सबको एंगल के साथ लिखे हो, जेड कितना एंगल बनाना है एक्सिस के साथ, डेल्टा। ये जेड को लिखने का तरीका हो गया। अब टैन डेल्टा है कितना, तो भाई हमें पता है कि टैन डेल्टा है एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, ये टैन डेल्टा है। इतनी बातों को दिमाग में बैठा लो कि इसमें नॉर्मल एडिशन नहीं होता है, इसमें फेजर बना के वेक्टर एडिशन होता है। एक्स एल हमेशा प्लस 90 पे होगा, एक्ससी हमेशा माइनस 90 पे होगा, हमेशा आर हमेशा ये होगा, ये ज्यादा ये कम, तो नेट ऊपर की तरफ आ गया, ऊपर की तरफ आया तो ये आ गया एक्सएल माइनस एक्ससी, ये आर आ गया, दो वेक्टर है मेरे पास, एंगल 90 है, वेक्टर एडिशन कर रहा हूं मैं इन तीन वेक्टर का एडिशन कर रहा हूं, ये आ गया अंडर रूट ऑफ, ये मैग्नीट्यूड आ गया, इस एंगल को मैंने डेल्टा बोल दिया, टेन डेल्टा निकाल दिया, इसको शॉर्ट में मैंने ऐसे लिख दिया। अब इतना करने के बाद आखिर ट्रिक क्या है, मैं समझाता हूं। ट्रिक ये है, कुछ मैथमेटिकल बातों का ध्यान रखना है, याद समझो क्या मैं बोलना चाहूं। सपोज करो मुझे बोला कि यार ए एंगल फाइ वन इंटू बी एंगल फाइ टू, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ए एंगल फाइ वन इंटू बी एंगल फाइ टू, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको तुम लिखोगे ए इंटू बी, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ए इंटू बी, एंगल एड हो जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन में एंगल एड होते हैं, समझो ये आ जाएगा एंगल फाइव वन प्लस एंगल फाइव टू। सिंपली एक बार बस याद कर लो, बस इसको एक बार याद कर लो कि अगर मल्टीप्लीकेशन में लेंगे तो एंगल ऐड हो जाते हैं। दूसरा समझना, ए एंगल फाइव वन डिवाइडेड बाई बी एंगल फाइव टू, डिवीजन में रहे तो ये तो ए अपॉन बी ही होगा, ये तो ए अपॉन बी ही होगा, एंगल में क्या होगा डिवीजन में, फाइव वन माइनस फाइव, डिवीजन में माइनस होता है, मल्टीप्लीकेशन में ऐड होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं अभी तुम्हें समझ में आएगा। जनरली जो करंट होता है आई, वो करंट क्या होता है, करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। मान लो इस एसी सर्किट में मैंने ये वोल्टेज दिया है वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी कि वी एम एंगल जीरो, शॉर्ट में लिखने का तरीका वी एम एंगल जीरो, तो वोल्टेज है मेरा वी एम एंगल जीरो नहीं सॉरी एंगल फाइव, ये वोल्टेज है मेरा Vm एंगल फाइव, मेरा वोल्टेज है, ठीक है। जब मैंने इसका R इक्विवेलेंट निकाला, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट जेड, तो जेड कितना आया, जेड आया मॉड जेड एंगल डेल्टा, इनका जेड इक्विवेलेंट कितना आया, मॉड जेड एंगल डेल्टा। करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन R इक्विवेलेंट, I विल बी देखना वोल्टेज, वोल्टेज कितना है Vm एंगल फाइव डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट मॉड जेड एंगल डेल्टा, मॉड जेड एंगल डेल्टा, ए अपॉन बी डिवीजन में माइनस, तो आई विल बी वी एम अपॉन मॉड जेड, वी एम अपॉन मॉड जेड को क्या लिख दिया मैंने, आई एम डिवीजन में क्या होता है, माइनस होता है फाइ माइनस डेल्टा। ये करंट का शॉर्ट फॉर्म आया, ये करंट का शॉर्ट फॉर्म आया, एक्सपैंड करके लिखो, आई विल बी आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फेज, यानी कि फाइ माइनस डेल्टा, ये आंसर हो गया। तरीका समझना कैसे मैं कर रहा हूं अप्रोच, अभी तुम्हें इस सवाल से समझ में आएगा, देखो मैं कैसे कर रहा हूं। अब देखो सवाल, देखना सवाल में क्या दिया हुआ, मुझे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मुझे इंडक्टेंस L दिया हुआ है, मुझे कैपेसिटेंस C दिया हुआ है, मुझे वोल्टेज दिया हुआ है, मुझे करना है सॉल्व। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं बनाऊंगा इम्पीडेंस ट्रायंगल, समझना मुझे ये सारी चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले मैं बनाऊंगा इम्पीडेंस ट्रायंगल, रेजिस्टेंस हमेशा एंगल जीरो पे होगा, मुझे L दिया है मुझे C दिया है, तो L से पहले XL निकाल लो, XL क्या होगा ओमेगा L, ओमेगा कितना है पाई, देखो 2 साइन ओमेगा टी, ओमेगा कितना है पाई, यानी कि यह आ गया पाई इंटू 4 अपॉन पाई, कट गया यह आ गया 4 ओम। सिमिलरली एक्ससी, ये एल है, एक्ससी 1 अपॉन ओमेगा सी,
वन अपॉन ओमेगा, ओमेगा बोले तो पाई, ओमेगा बोले तो पाई इंटू सी, सी कितना है टू अपॉन पाई, कट गया जी, कितना आ गया, ये आ गया वन अपॉन टू। एक काम करो, इसको बेटर रहेगा कि वन अपॉन टू पाई ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इसलिए मैं कर रहा हूं पाई इंटू वन अपॉन टू पाई कर दो, ये कटा और ये कितना आ गया, ये आ गया टू। हमने एक्सएल निकाल लिया, हमने एक्स निकाल लिया, अब इनको इंपीडेंस ट्रायंगल पर रिप्रेजेंट करो, देखना बहुत सिंपली समझाऊंगा। रेजिस्टेंस कितना है मेरा, उसका एंगल जीरो होता है, एक्सएल एंगल 90 पे होता है, एक्सएल एंगल 90 पे हो गया चार, एक्सी जो होता है वो माइनस 90 पे होता है, नीचे की तरफ हो गया टू, इनका रिजल्टेंट कितना आया, फोर में से टू गया तो टू, तो ऊपर की तरफ बचा टू और इधर की तरफ बचा टू, दो वेक्टर है, एंगल 90 है, तो रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर रूट में, तो यह आ जाएगा टू रूट टू। इस एंगल को मैंने बोला डेल्टा, तो टेन डेल्टा बराबर टू अपॉन टू यानी कि वन, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू पाई अपॉन फोर, मतलब इंपीडेंस जेड का, इंपीडेंस जेड का एंगल ही पता है और मैग्नीट्यूड भी पता है, तो जेड को कैसे लिखोगे, जेड को तुम लिखोगे मॉड जेड यानी कि टू रूट टू, साथ में एंगल फेज पाई बाय फोर, जेड लिख के छोड़ दो, जस्ट लीव इट। वोल्टेज देखो क्या लिखा हुआ है, वी बराबर टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय थ्री, वोल्टेज का फेज कितना है पाई बाय थ्री, वोल्टेज को शॉर्ट में कैसे लिखोगे, टू एंगल पाई बाय थ्री, ये दोनों लिख के फिलहाल इसको छोड़ो, छेड़ो भी मत, तुम्हें पता है करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो करंट आई विल बी वोल्टेज अपॉन इंपेडेंस, कर लिए, तो ये तो टू और टू कट गया, तो ये आ गया वन अपॉन रूट टू। डिवीजन में फेज माइनस होता है, यानी कि पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई फोर, जैसे तुमने पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई फोर किया, ये ट्वेल्व आ गया, ये फोर आ गया, थ्री आ गया, ये आ गया पाई अपॉन ट्वेल्व, इसकी वैल्यू आ गई पाई अपॉन ट्वेल्व, बट ये करंट शॉर्टकट में लिखा हुआ है, अपने को एक्सपैंड करके लिखना है, कैसे, आई बराबर आई मैक्स इंटू फेज, तो करंट आई विल बी वन अपॉन रूट टू, एक्सपैंड करके उल्टा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई ट्वेल्व, ये आंसर हो गया, ये करंट आ गया। अब सुनना, तुमने बोला सिर्फ करंट ही निकालने से काम नहीं चलेगा, मतलब ये पार्ट मेरा हो गया समाप्त, मुझे वी आर भी चाहिए, मुझे वी सी भी चाहिए, मुझे वी एल भी चाहिए, सुनना कैसे निकालूंगा, बहुत सिंपल है, तुम्हें करंट पता है ना, कैसे निकाल, समझ में आया ये मैथड, समझ में आया। वी आर क्या होता है, जनरली किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस के वोल्टेज क्या होता है, आई इंटू आर, वी बराबर आई इंटू आर, उससे पास करने वाला करंट इंटू दैट रेजिस्टेंस, तो वी आर क्या होगा, एक बात बताओ, स्टार्टिंग में बोला था रेजिस्टेंस का फेज कितना होता है जीरो, वी आर इज इक्वल टू शॉर्टकट में, शॉर्टकट में रेजिस्टेंस टू एंगल जीरो, ये रेजिस्टेंस एंगल के साथ, आई आर वेयर इज करंट, करंट कितना है शॉर्टकट में, वन अपॉन रूट टू एंगल पाई अपॉन ट्वेल्व, मल्टीप्लीकेशन में एंगल एड होता है, यानी कि करंट वी आर विल बी टू अपॉन रूट टू एंगल जीरो प्लस पाई बाई ट्वेल्व, इसको एक्सपैंड करके क्या लिखोगे, वी आर इज इक्वल टू टू अपॉन रूट टू, यानी कि ये तो आ जाएगा रूट टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 12, हो गया एक्सपेंड कर दिया। सिमिलरली तुमने बोला VR नहीं, मुझे VL भी चाहिए, VL हो जाएगा V बराबर IR, यानी कि XL into I होगा, बट ऐसे जनरली ऐसे मल्टीप्लाई मत करना, एंगल के साथ VL बराबर, अच्छा XL किधर है, ऊपर, मतलब कितना एंगल है 90 डिग्री, मैग्नीट्यूड कितना XL का 4, XL का मैग्नीट्यूड कितना है 4, 4 एंगल 90 यानी कि पाई बाई टू, एंगल 90 मतलब पाई बाई टू इंटू करंट वन अपॉन रूट टू एंगल पाई अपॉन ट्वेल्व, यानी कि वीएल इज इक्वल्स टू फोर बाई रूट टू
एंगल पाई बाई टू प्लस पाई बाई ट्वेल्व। अब एक बार ये मैंने ऐसे लिख दिया मतलब सब खत्म हो गया, इसको एक्सपेंड कर दो, वोल्टेज अक्रॉस एल विल बी फोर बाई रूट टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू प्लस पाई बाई ट्वेल्व कितना हो जाएगा, सेवन पाई बाई ट्वेल्व, देख लेना कैलकुलेशन, सेवन पाई बाई ट्वेल्व आ गया वीएल, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आ गया। सिमिलरली वीसी आई इंटू एक्ससी, एक्ससी क्या है नीचे माइनस नाइनटी टू एंगल माइनस पाई बाई टू, करेंट तो अभी का वही है वन अपॉन रूट टू एंगल पाई अपॉन ट्वेल्व, मल्टीप्लाई किया VC is equals to 2 upon root 2 pi by 12 minus pi by 2, pi by 12 minus pi by 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई गेस माइनस फाइव पाई बाई ट्वेल्व आ जाएगा, माइनस फाइव पाई बाई ट्वेल्व देख लेना कैलकुलेशन, देख लेना माइनस फाइव पाई बाई ट्वेल्व, यानी कि VC is equals to एक्सपैंड करो 2 upon root 2 sin omega t minus 5 pi by 12, देखो कैसे लिखा मैंने। जनरली क्या किया मैंने, मैंने पहले तो सबको इंपीडेंस ट्रायंगल पे बैठाया और मैंने पहले बोला कि इस वोल्टेज को ऐसे भी लिखा जा सकता है वी एंगल, वी में एंगल पाई बाई थ्री, मल्टीप्लीकेशन में एंगल ऐड होता है, डिवीजन में एंगल सब्ट्रैक्ट होता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं, इंपीडेंस ट्रायंगल बनाओ, एक बार इंपीडेंस ट्रायंगल मुझे पता है करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए अपने को वेक्टर एडिशन करना है, साथ में एंगल को लेके चलना है। नॉर्मली अपन क्या करते हैं कि नॉर्मली वी अपॉन आर या वी अपॉन जेड करते हैं तो एंगल लेके नहीं चलते, यहां पे बस एक काम करना है कि तुम्हें उनका जो फेज है वो साथ में लेके चलना है, आर ये बात समझ, एक बार अगर तुमने फेज लेके तुम चलोगे तो तुम्हें दिक्कतें नहीं आएंगी, तुम तुरंत में सारा कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ध्यान रखना जब भी इस तरह का सवाल आए तो फेज को लेके चलो और फिर सारा कैलकुलेशन करो, और जनरली वी आर क्या होगा आई इंटू आर, वी एल क्या होगा आई इंटू एक्स एल, वी सी क्या होगा आई इंटू एक्स सी, बस मल्टीप्लीकेशन जो तुम कर रहे हो ना वो फेज के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें तुम्हें खुद दिख जाएगा करना क्या है, मल्टीप्लीकेशन फेज ऐड होगा डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होगा, मुझे आई चाहिए था, आई क्या होता है आई होता है वी अपॉन जेड, जनरली आई क्या होता है वी अपॉन आर इक्विवेलेंट वी अपॉन जेड, बस एंगल को साथ लेके किया मैंने, एंगल क्या होता है डिवीजन में माइनस होता है तो पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई फोर आ गया, वो आ गया पाई बाई ट्वेल्व, इतना काम किया पाई बाई ट्वेल्व आ गया, तो इसको एक्सपेंड करके ऐसे लिख दिया। ये तरीका होता है एसी को सॉल्व, दुनिया का ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जो इससे नहीं बनता है, हर सवाल एसी का सर्किट का, तो इस मेथड से बना सकते हो। ध्यान बस दो चार बातों का ध्यान रखना है, इंपीडेंस चेंजिंग बनाना है और इन सब बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, मिलते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर।